नमस्कार दोस्तों, मैं निसार, इंडियन ब्लॉक एमपीटी कैंपस से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आज सुबह का वक्त है, तो हम आए थे अपने गांव के पास जो जंगल है, तो उसी जंगल में घूमने के लिए। जो यहां का बहुत प्यारा व्यू है, देख लीजिए दोस्तों आप कितना अच्छा प्यारा व्यू है जंगल के चारों तरफ का। और भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों कितना प्यारा व्यू है, यहाँ का लग रहा है बहुत अच्छा है। और देखिए गाइस, देख लीजिए ये है, ये पत्थर भी डले हुए हैं। देखिए गाइस, ये पत्थर हैं, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का। देखिए तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ देखने के लिए, जब सुबह से यहाँ पर आते हैं तो बहुत प्यारा लगता है। देख लीजिए, तो देखिए दोस्तों अभी दिन भी काफ़ी ऊपर आ चुका है। देखिए ये दिन भी आ चुका है, बढ़िया प्यारी धूप लग रही है यहाँ पर, तो बहुत आनंद आ रहा है। इससे पहले दोस्तों मेरे यहाँ पर कुआ भी है, खेत भी हैं, तो मैं आपको वो खेत भी दिखाऊँगा मैं वहाँ पर जा के। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़, यदि आपका दिल यदि किसी का मदद करना चाहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो हम चलते हैं अपने खेत पर भी, जिसमें हम लोग फसल उगाए हुए हैं या फसल बोए हुए हैं, तो आपको वो अपना खेत का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो में, हम चलते हैं अपने खेत पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने खेत पर, तो हम आपको दिखाएंगे अपने खेत में मैंने क्या बो रखा है। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने अपने खेत में लाहर बोई है, ये है मेरे लाहर का खेत। देखिए सरसों हैं जो अभी फूल रही है, ये इसमें फल भी लगेंगे, छोटे छोटे अभी फल लग रहे हैं ये हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये चारों तरफ खेती ही खेती, आपको ये फूल ही फूल नज़र आ रहा है। इसके बाद सरसों का फूल है, देखिए गाइस ये सरसों का फूल। मसूर का खेत भी देख लीजिए, ये है, देखिए दोस्तों ये मसूर का खेत है, इसमें मसूर बोई हुई है यहाँ से वहाँ तक, ये इसमें मसूर फलेगी और इसकी जब हम दाल बनाते हैं तो बहुत प्यारी लगती है। और ये मेरे गेहूँ का खेत है, देखिए गाइस ये यहाँ से वहाँ तक गेहूँ ही गेहूँ बोआ है, तो देख लीजिए दोस्तों ये गेहूँ का खेत है। तो आपने तो देख लिया, तो हम आपको अपने कुआ पर लेके चलते हैं, आपको कुआ भी दिखाते हैं जिससे हम लोग अपनी फसल की सिंचाई करते हैं। तो आपको वो कुआ भी दिखाते हैं, उसमें पानी भी है, तो हम आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कुएं पर, तो हम आपको अपना कुआ भी दिखाएंगे। और ये गेहूँ का खेत है जिसमें बाल निकल आई है, तो ये गेहूँ भी आप देख रहे हैं। और आपको बता दूँ तो दोस्तों ये हम लोगों के घर हैं यहाँ पर, वो घर देख रहे हैं ना, वो हम लोगों के घर हैं। और यहाँ पर देखिए चारों तरफ और भी ये फसल उगाई हुई है, तो हम चलते हैं आपको अपना कुआ दिखाते हैं। ये मेरा कुआ है, इसमें पेड़ है ना, ये पेड़ बरसात के मौसम में एक गिर चुका था, तो एक कुआ को ढांक दिया है इसने। देखते हैं हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये है मेरा कुआ गाइस, और इसमें पानी भी देखते हैं। देखिए ये इसमें पानी दिख रहा है, ये जो पानी है जे झिल मिला रहा है, जो पानी दिख रहा है आपको। तो ये गहराई की बात करूँ तो दोस्तों ये कम से कम 15-20 हाथ की गहराई है इस कुएँ की, और इसमें पानी भी कुछ भरा हुआ है। और बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कम से कम 2-4 घंटे का समय एक वीडियो ले जाती है, जब 2 मिनट की वीडियो अपलोड कर पाते हैं। तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट करें, बहुत उम्मीद के साथ वीडियो बनाती हूँ। जब आपका कोई कमेंट या आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ इतना दुख होता है, आपसे कुछ कह नहीं सकते। फिर भी मैं आपसे आखिरी बार बहुत उम्मीद के हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। हम मिलेंगे आपको जल्द ही अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, सही।